सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जीरोधा के मोबाइल ऐप की मदद से किसी भी IPO के लिए अपनी जो बिड्स हैं या फिर एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। प्रोसेस बड़ा ही इजी है, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी बार हम कुछ छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण जो अलॉटमेंट है वो हमें नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो बिड्स है वो सबमिट करनी है, कैसे उसका पेमेंट करना है और कैसे आपको फिर वेरीफाई करना है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है या नहीं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जीरोधा के मोबाइल ऐप को ओपन करके उसमें लॉगिन कर लेना है। IPO की जो विंडो है सुबह 10 से लेकर 4:30 बजे तक ही ओपन रहती है, तो उस समय के बीच में ही आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको अकाउंट सेक्शन के अंदर जाना है और अकाउंट सेक्शन में आपको कंसोल के अंदर IPO का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके फ़ोन के ब्राउज़र में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे फिलहाल जो भी IPOs ओपन है उन सभी की जो डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी और नीचे जो हिस्ट्री वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी क्योंकि मुझे जो श्याम मेटलिक्स है उसके अंदर अप्लाई करना है, तो जो बिड का ऑप्शन आया हुआ श्याम मेटलिक्स के सामने उसके ऊपर मैं टैप करने वाला हूँ। तो इससे हमें एक नई विंडो ओपन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम जाएंगे 100 डिटेल के अंदर और यहाँ पे देखेंगे कि एक लोट के अंदर हमें 45 शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं एक लोट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसके अंदर 45 क्वांटिटी डालूंगा। अगर आपको दो लोट लेने हैं तो यहाँ पे आपको 90 एंटर करना होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं और साथ में जो कट ऑफ प्राइस है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर वही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर हैं, और ऊपर आपको अपनी जो UPI ID जिसके थ्रू आप पेमेंट करने वाले हैं वो एंटर करनी होगी। उसके बाद में आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको ये जो चेकबॉक्स है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई कर लेना है कि आपने अपनी जो UPI ID है और अपनी जो क्वांटिटी वगैरह सभी सही से फिल की है ना। और उसके बाद में आपको जो नीचे दो नंबर और तीन नंबर सेक्शन है उनको खाली छोड़ देने हैं और जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी जो IPO की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब होगा क्या कि जिस ऐप की हमने यहाँ पे UPI ID एंटर की है उस ऐप के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा और वो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको जो पेमेंट वगैरह है वो करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे भीम की जो ID वो एंटर की है। नोटिफिकेशन काफ़ी समय के बाद में आता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे भीम को ओपन कर लूँगा और भीम में लॉगिन करने के बाद में मुझे IPO वाला जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए जो IPO वाला सेक्शन है वो आ चुका है और यहाँ पे मुझे जो श्याम मेटलिक्स है उसका नोटिफिकेशन भी मिल चुका है। तो उसको मैं प्रोसीड करूँगा, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और इसको अप्रूव करने के बाद में यहाँ पे जो अपना पिन वगैरह है वो मैं डाल देता हूँ। जैसे मैं पिन वगैरह डालूंगा तो मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ से हो जाएगा और ये देखिए जो IPO क्रिएशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन प्रोसेस यहाँ पे पूरी कंप्लीट नहीं होती है, अभी आपको आगे भी कुछ और चीज़ें करनी है। आपको देखना है कि जो आपकी बिड है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई है। देखिए गाइस, आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही बिड लगा सकते हैं, चाहे आपने अलग अलग ब्रोकर से अकाउंट्स खुला के रखे हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बिड लगानी है। इसके बाद में हम जाएंगे जीरोधा के अंदर फिर से, यहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में आपको जो अकाउंट वाला सेक्शन है उसमें चले जाना है। IPO के अंदर आपको फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में आपको जो हमने IPO के लिए अप्लाई किया था उसके अंदर देखना है कि जो हमारी बिड्स वो अप्रूव हुई है या ना हुई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है, इसमें थोड़ी देर बाद में ये अपडेट हो जाती है। देखिए अमाउंट ब्लॉक हो चुका है और ये जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड बाई इन्वेस्टर बता रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी जो बिड है वो लग चुकी है और जो एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुली हो चुकी है। सो आई होप गाइज आपको जो पूरी प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, आपके किसी उधर के कोई भी सवाल है या फिर सुझाव है तो उनको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर नई अपडेट्स के साथ में।